हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम चैप्टर थर्ड लीनियर इक्वेशंस क्लास टेंथ इसको हम समझेंगे। सो आज मैं इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि मुझे लीनियर इक्वेशंस का ये चैप्टर है इसको समझना है। सो मैं आज आपको समझा रहा हूँ, इसे कृपया ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है एक्स माइनस वाई प्लस फोर, जो एक हमारी इक्वेशन है एक्स प्लस वाई माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। सो हम लिखेंगे दिस इज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है और ये एक पेयर बन गया है। नाउ अब हमें इसको सॉल्व करें तो इसको पहले कंपेयर करते हैं हम। लेट कंपेयर द इक्वेशंस बाय ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। सो इस इक्वेशन में हमारा जो है एक्स माइनस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो एंड जो एक्स प्लस वाई माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, इसमें जो ए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इसका ये ए वन बी वन और ये सी वन हो गया एंड ये हमारा ए टू बी टू एंड सी टू, ए वन ए टू एंड बी वन बी टू सी वन सी टू। ए वन जो है हमारा वन होगा, एक्स वन है, ये भी एक्स है वन है। बी वन जो हमारा है वो माइनस वाई है तो ये माइनस वन आ जाएगा एंड बी टू जो हमारा है वो वन आ जाएगा, वाई है। ओके, एंड सी वन जो है हमारा वो फोर है एंड सी टू जो है हमारा वो माइनस टेन है। नाउ इससे हम कंपेयर करेंगे ए वन एक्स बी वन वाई सी वन एंड ए टू एक्स बी टू वाई सी टू। अब हम इनकी रेशियोज लेंगे, हम इनकी ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू। ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू वन अपॉन वन एंड बी वन अपॉन बी टू जगह माइनस वन अपॉन वन एंड सी वन अपॉन सी टू, यह है हमारा फोर अपॉन माइनस टेन। नाउ ए वन अपॉन ए टू जो है वो इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, क्योंकि ये ए वन अपॉन ए टू है जो वन है और बी वन अपॉन बी टू है वो माइनस वन है। ओके, सो अगर इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, सो दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ये कंसिस्टेंट पेयर पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये हमारा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है एंड इट हैज ए यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब इसका एक ही सोल्यूशन आएगा वन, एंड इफ वी रिप्रेजेंट द इक्वेशंस ग्राफिकली, अगर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो जो लाइंस बनेंगी द लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट। तो इसका जो हम लाइन रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी एक लाइन जो बनेगी, दोनों की लाइन जो बनेगी वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट में, जैसे ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी और ये जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा सोल्यूशन होगा इस पेयर का, एक्स और वाई का वही हमारी वैल्यूज आएंगी। ओके, नाउ मैं आपको ग्राफिकली आपको समझा देता हूँ कैसे आएगा। सो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है ये एक्स माइनस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। तो हम इसको लिखेंगे, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो इसको ले लेते हैं हम एक्स माइनस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो इसको ले लेंगे एक्स इज इक्वल टू जो है वाई माइनस में है तो यहाँ आगे प्लस में हो जाएगा, वाई माइनस प्लस फोर जो है वो यहाँ पे माइनस फोर हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट का आ गया हमारा, या हम थर्ड ले लेते हैं इसको। ओके, तो वाई जो है वो इधर प्लस में आ गया और प्लस फोर जो है यहाँ पे माइनस फोर में आ गया, वाई माइनस फोर। ओके, नाउ अब इसका हम सोल्यूशन देखें तो इसको बनाएंगे हम ऐसे, सोल्यूशन बॉक्स इसका बनाएंगे तो ये आ गया हमारा एक्स, ये वाई।
तो फर्स्ट इक्वेशन में हमें x की वैल्यू जो ले ली है y माइनस फोर के इसमें ले ली है, तो इसमें हम y की वैल्यू जो है वो अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे कोई, जैसे हम ले लेते हैं कोई 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम रफ वर्क करें इसका, x इज इक्वल टू वाई माइनस फोर, तो x इज इक्वल टू वाई को हमने 1 ले लिया है तो माइनस फोर, तो जाएगा वाई 1 माइनस फोर कितना आ गया माइनस थ्री, तो ये माइनस थ्री आ गया। अगर y को हम ले लेंगे 0 तो ये आ गया x इक्वल टू वाई माइनस फोर, जीरो माइनस फोर तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर, जाएगा माइनस फोर। और y अगर हमने ले लिया माइनस वन तो यह आ जाएगा x इक्वल टू वाई माइनस फोर, तो यह आएगा माइनस वन माइनस फोर, यह आएगा माइनस फाइव माइनस फाइव। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो है वो ये इसकी इसका सोल्यूशन आ गए, x के सोल्यूशन आ गए और y के सोल्यूशन आ गए। ये फर्स्ट इक्वेशन के आए हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन के। नाउ सेकंड इक्वेशन की हम देखें तो ये आ जाएगा हमारा x y, तो सेकंड इक्वेशन जो है हमारी ये है x प्लस वाई माइनस टेन, एक्स प्लस वाई माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस टेन है तो यहाँ आके टेन हो जाएगा प्लस टेन, और प्लस वाई है यहाँ आके माइनस वाई हो जाएगा टेन माइनस वाई, ये आ गया फोर्थ। ये सेकंड इक्वेशन की वैल्यू होगी x की, तो अब इसमें x की वैल्यू ले लेते हैं हम फाइव ले लेते हैं टेन माइनस वाई, एक्स की वैल्यू है टेन माइनस वाई। ओके नाउ तो इसमें आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू टेन माइनस वाई की वैल्यू है फाइव फाइव, तो यह आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू फाइव फाइव आ गया। अब एक्स वाई की वैल्यू हम ले लें सिक्स ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा टेन माइनस वाई टेन माइनस सिक्स, ये आ गया है फोर फोर ले ली, और वाई की वैल्यू हम ले लें फोर, तो यह आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू टेन माइनस वाई, सेकेंड जो इक्वेशन है हमारी, तो यह आ जाएगा टेन माइनस वाई जो है फोर लिया है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी सिक्स, यह आ गया हमारा सिक्स, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो ये हमने ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने क्या किया बता, जो फर्स्ट इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन में से हमने एक्स की वैल्यू निकाली है वाई माइनस फोर, एंड सेकंड क्वेश्चन में से भी एक्स की वैल्यू निकाली है टेन माइनस वाई। तो फर्स्ट इक्वेशन में से जो हमने वाई माइनस फोर है इसमें वाई की वैल्यू अपनी तरफ से एज्यूम करके एक्स की वैल्यूज निकाल ली हैं यहाँ पर, एंड सेकंड क्वेश्चन में हमने वाई की वैल्यू अपनी तरफ से एज्यूम करके एक्स की वैल्यूज निकाल ली हैं ना। अब इन वैल्यूज को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, एंड जहाँ पर ये लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा एक्स और वाई एक्चुअल सोल्यूशन आएगा, वन सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन मतलब वन सोल्यूशन। सो नेक्स्ट पेज में चले हम, तो ये हमारा ग्राफ बना हुआ है, मैंने बनाया हुआ है, तो ये मैंने सोल्यूशन लिखे हुए हैं पहले, एक्स है माइनस थ्री वन, तो ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स प्लस में है और ये एक्स माइनस में है, ये वाई प्लस में है और वाई माइनस में है, तो एक्स माइनस थ्री, एक्स को हम माइनस थ्री में जाएं तो ये आएगा माइनस थ्री, और वाई माइनस वन ना वाई प्लस वन, तो वाई प्लस वन में हमारा ये आ जाएगा पॉइंट माइनस थ्री वन। अब एक्स माइनस फोर है, एक्स माइनस फोर ये आ गया और वाई जीरो है, तो वाई यहीं पे रहेगा हमारा, ये पॉइंट आ गया एक माइनस फोर जीरो, एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव एंड वाई माइनस वन, माइनस वन हम नीचे की तरफ जाएंगे, ये माइनस वन है तो हमारा ये पॉइंट आ गया, तो ये तीन पॉइंट आ गए हमारे, हम तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा हमारा। ओके नाउ ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बन गई है, सेकंड इक्वेशन के जो हमने सोल्यूशन निकाले थे वो ये है फाइव एक्स फाइव है वाई फाइव है, अब एक्स आ गया फाइव एंड वाई भी फाइव है, ये वाई फाइव आ गया, तो ये हमारा पॉइंट ऑलमोस्ट इधर आ जाएगा, ये आएगा फाइव फाइव एंड एक्स जो है वो फोर है वाई सिक्स, एक्स जो है हमारा फोर है और वाई जो है हमारा सिक्स है, वाई जो हमारा सिक्स है तो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ये आएगा हमारा फोर सिक्स,
एक ये पॉइंट आ गया है, एंड एक्स सिक्स वाई फोर, एक्स हमारा आ गया सिक्स और वाई जो हमारा वो फोर है, तो हमारा ये पॉइंट ऑलमोस्ट इधर आ जाएगा वाई फोर, तो ये हमारा पॉइंट इधर आ जाएगा, यहाँ आ गया पॉइंट, तो ये आ गया सिक्स फोर। हम तीनों को पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये आ गया हमारा, ये आ गया, तो ये हमारा एक दोनों इक्वेशंस की जो लाइंस हैं हमने रिप्रेजेंट कर दी हैं, और ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा बन रहा है, ये हमारा वाई का सेवन बन रहा है, और एक्स वाला जो बन रहा है हमारा थ्री बन रहा है ऑलमोस्ट। तो एक्स जो है वो थ्री है और जो वाई है वो सेवन है, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस। जो गिवन पेयर ऑफ जो इक्वेशंस का जो एक पेयर है उसका ये सॉल्यूशन आ गया है, जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। पर एक शर्त होनी चाहिए, जैसे हमारा ये है ए वन पॉइंट ए टू है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू बी वन पॉइंट बी टू। तो जहां हमारे पॉइंट इंटरसेक्ट कर गए तो वही हमारा एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई हैं। ओके, नाउ अगर सेकंड कंडीशन हम देखें तो नेक्स्ट पेज हम देखें इसका, तो सेकंड कंडीशन में जैसे हमारा, मैं एक और क्वेश्चन आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम लिखेंगे लेट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसमें हम लिखेंगे लेट कंपेयर द इक्वेशंस बाय ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। अगर इसमें हम कंपेयर करेंगे तो हमारा ये है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू जीरो। तो ए वन जो है हमारा वो 2 है, ए टू जो हमारा वो 4 है, और बी वन जो हमारा वो 3 है, सी वन जो हमारा वो 6 है। तो सोचिए बी वन 3, बी टू 6, ए वन 2, ए वन 2 एंड ए टू 4, बी वन 3 एंड बी टू जो है हमारा वो 6 आ गया है, एंड सी वन जो है हमारा वो माइनस 9 और सी टू जो है हमारा माइनस 18। तो हम इसकी रेशियो देखिए, ए वन अपॉन ए टू जो कितना है 2/4 इज इक्वल टू 1/2, 2 1 2 2 2 4। ना बी वन अपॉन बी टू क्या है हमारा 3/6, 3 1 3 3 2 6 1/2, एंड सी वन अपॉन सी टू क्या है -9/-18 -9 9 2 18, ये आ गया हमारा 1/2। सो हम देखिए ए वन अपॉन ए टू 1/2 है, बी वन अपॉन बी टू 1/2, सी वन अपॉन सी टू 1/2। सो इस कंडीशन में ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ये तीनों इक्वल आ रही है। और इससे पिछली जो हमने एग्जांपल देखी थी उसमें क्या आया था हमारा, इसमें था हमारा ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो ये हमारा वन सोल्यूशन था। पर इस एग्जाम्पल में हमारा ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन पॉइंट बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, सो देयरफॉर दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज इन्फिनिट सॉल्यूशंस। इन्फिनिट सॉल्यूशन मतलब इसमें कई सॉल्यूशंस आएंगे, एंड दिस इज ए कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये हमारी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है। ओके, एंड इट हैज इन्फिनिट सोल्यूशन, इसके कई सोल्यूशन आ जाएंगे, एंड द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग, द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशंस विल ओवरलैप, ओवरलैप कर लो या कोइंसाइड ईच अदर।
अगर हम इसकी ग्राफिकली अगर इसको हम एक्स और वाई की वैल्यू ले, जैसे हमने पिछले आपको बताया था पीछे, इसमें एक्स की वैल्यू निकाले, वाई की वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे इनमें से, और दोनों को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें ग्राफ हमारे जो फर्स्ट इक्वेशन की जो लाइन बनेगी, सेकंड इक्वेशन की लाइन बनेगी, इसकी ओवरलैप इसके ऊपर ही बन जाएगी, और उसके कई सारे सोल्यूशन आएंगे एक्स और वाई के. ओके, सो दैट मीन्स ओवरलैप इज एन इट इन्फिनिट सोल्यूशन. नाउ थर्ड केस में मैं आपको दिखाऊँ अगर, तो ये हमारा है एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो. सो इसमें हमारा है, अगर हम देखें इसमें फिर से हम कंपेयर करें, तो ए वन है हमारा वो वन है, ए टू जो हमारा वो टू है, एंड बी वन हमारा वो टू है, एंड जो बी टू है वो हमारा फोर है, एंड सी वन जो है वो माइनस फोर, एंड सी टू जो है हमारा वो माइनस ट्वेल्व है. ओके, नाउ इसमें ए वन अपॉन ए टू के हमारा वन अपॉन टू, एंड बी वन अपॉन बी टू ये हमारा टू फोर है, इजिकल टू टू अपॉन फोर, टू वन जै टू, टू टू जै फोर, ये भी वन अपॉन टू आ गया, एंड सी वन अपॉन सी टू के हमारा माइनस फोर अपॉन माइनस ट्वेल्व, माइनस माइनस के फोर वन जै फोर, फोर टू जैट फोर थ्री जै ट्वेल्व, वन अपॉन थ्री. सो इस केस में क्या है, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, वन अपॉन ए टू वन अपॉन टू है, बी वन अपॉन बी टू वन अपॉन टू है, इक्वल हो गया, एंड सी वन अपॉन सी टू क्या है वन अपॉन थ्री, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो दैट फॉर इट इज ए इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है. ओके, एंड द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशंस विल पैरेलल टू ईच अदर. ओके, ये पैरेलल हो जाएगी, जैसे हम ग्राफ बनाएंगे तो ये एक इक्वेशन की लाइन है जो, और जो सेकंड इक्वेशन की लाइन जो बनेगी वो पैरेलल होगी, और ये पैरेलल टू ईच अदर, एंड दे विल नॉट इंटरसेक्ट, दे विल नॉट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी आपस में. ओके, इंटरसेक्ट ईच अदर, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एंड देयरफॉर इट हैज नो सॉल्यूशन, इसमें एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं आएगी इस पेयर में. तो ये हमने कंपैरिजन देख लिया है, अगर ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू ये इसके इक्वल है, इट इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो ये कंसिस्टेंट पेयर है, एंड द लाइन्स विल बी पैरेलल आएंगी इनकी लाइन्स, और इट हैज नो सॉल्यूशन. और अगर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू जो पिछले हमने देखा था, तो इसका वन सॉल्यूशन आएगा, एंड इट हैज वन सॉल्यूशन, और उसको हम लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी. और अगर है ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, दैन दिस पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिट सोल्यूशन, और लाइन्स ओवरलैप करेंगी, एंड इट हैज ए कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, एंड द लाइन्स and the lines representing the equations will overlap each other. Okay, and I expect that sab kuch samajh aa gaya hoga. Agar nahi samajh aaya to please mujhe comment zarur karna, and thanks for watching.